तो सीधा वीडियो को डिसलाइक मार देना और आगे कभी मेरे वीडियोस मत देखना। पर अगर आग लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। और अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, अपने काम के लिए पागलपन एक ऐसी बीमारी है जो अगर किसी को लग गई तो ये उस बंदे को कामयाब बनाकर ही छोड़ती है। क्योंकि अगर दिल में आग, दिमाग में जिद और अंदर पागलपन हो तो एक आम माली का बेटा भी क्रिस्टियानो रोनाल्डो बन सकता है। जहां आम लोगों को सुबह अलार्म उठाता है, वहीं इन पागल लोगों को इनके सपने उठा देते हैं। यह है माइकल फिलिप्स। 2008 में इस बंदे ने पब्लिकली अनाउंस कर दिया कि अगले ओलंपिक्स में मैं 8 गोल्ड मेडल जीतूंगा। सब ने इसका मजाक उड़ाया, यहां तक कि मीडिया ने भी इसका खूब मजाक उड़ाया। पर इस बंदे ने इन लोगों की बातों को ही अपना मोटिवेशन बना लिया और दिन का 12-12 घंटा ये बंदा प्रैक्टिस करने लगा। लेकिन अचानक एक एक्सीडेंट में इस बंदे का हाथ फ्रैक्चर हो गया और डॉक्टर ने इसे ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। पर इस बंदे का तो दिमाग हिला हुआ था। इसने अगले एक साल तक पांव से स्विमिंग करना सीखा और खुद को इतना बेहतर बनाया कि इतनी मुसीबतों के बावजूद ओलंपिक्स में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना के ये बंदा 8 गोल्ड मेडल लेकर आ गया। इसे बोलते हैं जिद, इसे बोलते हैं वो पागलपन। ऐसा पागलपन लाखों में किसी एक के पास होता है। अपने काम के प्रति पागलपन बंदे को जीरो से हीरो बना देता है। तभी आज चाय बेचने वाला एक आम लड़का हमारा प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। इसलिए जो भी करना है उसके लिए अंदर एक आग होनी चाहिए, एक पागलपन होना चाहिए कि साला अगर ये मैं करूंगा तो मुझसे बेहतर इसमें कोई नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों, क्रिकेट बहुत लोग खेलते हैं पर हर कोई विराट सचिन या धोनी नहीं बन पाता। एक्टिंग बहुत लोग करते हैं पर हर कोई बच्चन नहीं बन पाता। फुटबॉल खेलने वाले बहुत है पर हर कोई रोनाल्डो मेसी नहीं बन पाता। ये सब इतना बड़ा कुछ कर पाए क्योंकि इन सब के अंदर अपने काम के लिए एक पागलपन था। दोस्तों, इंसल्ट तो बहुतों की होती है पर कोई पागल ही उस इंसल्ट को अपना मोटिवेशन बना लेता है। ये कहानी है ट्रैक्टर बनाने वाले एक बंदे की, जिसने एक फरारी खरीदी पर क्लच में प्रॉब्लम होने की वजह से उसने वो प्रॉब्लम सीधा फरारी के मालिक एंजो फरारी को बताया। इस पर एंजो फरारी को गुस्सा आ गया और उन्होंने उस बंदे की इंसल्ट कर दी। पर इस बंदे ने इस इंसल्ट को इतना सीरियसली लिया कि फरारी जैसी बड़ी कंपनी को टक्कर देने के लिए इसने खुद की एक कार कंपनी खोली और ऐसी कारें बनाई कि आज सारी दुनिया इसके कारों की दीवानी है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं फेरुशियो लैम्बोर्गिनी की। और आज लैम्बोर्गिनी को कौन नहीं जानता। अंदर एक पागलपन ही चाहिए इतने बड़े कंपनी के साथ पंगा लेने के लिए। दोस्तों, सोचता तो हर कोई है कि मुझे बड़ा बनना है पर उसके लिए एक्शंस कोई पागल ही लेता है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि दुनिया झुकती है, बस दुनिया को झुकाने का वो पागलपन बंदे में होना चाहिए। इस बंदे को 30 बार जॉब से रिजेक्ट कर दिया गया। ग्रेजुएशन के एंट्रेंस में ये 5 बार फेल हो गया। यहां तक कि केएफसी के एक वेटर के जॉब के लिए भी इसे रिजेक्ट कर दिया गया। पर इसके अंदर अपने काम के लिए इतना पागलपन था कि ऐसे कई फेलियर्स को नजरअंदाज करते हुए इसने अलीबाबा की शुरुआत की और आज ये कंपनी दुनिया की वन ऑफ द लीडिंग ई कॉमर्स कंपनी है। और इसी पागलपन की बदौलत कभी इतनी बार फेल हुआ ये आदमी आज चाइना का सबसे अमीर बंदा है। और दोस्तों, ये पागलपन सिर्फ बंदे के दिमाग में नहीं, उसके हरकतों में होता है, उसके कामों में होता है, जिसे दुनिया देखती तो है पर कभी कॉपी नहीं कर पाती। क्योंकि उस पागलपन को मैच करना हर किसी के बस की बात नहीं, क्योंकि भीड़ से अलग चलने वाला बंदा ही इस दुनिया को अलग नजर से देख सकता है। इसलिए भीड़ का हिस्सा कभी मत बनना। दोस्तों, अपने काम के लिए अंदर इतना पागलपन लाओ कि तुम्हें देखकर लोग मोटिवेट हो जाए और यही पागलपन आपका हर सपना पूरा कर सकता है। और ऐसे कई एग्जांपल्स आज हमारे सामने हैं। क्रिकेट के पागलपन की वजह से आज एक टिकट चेक करने वाला बंदा करोड़ों दिलों की धड़कन बना हुआ है। एक्टिंग के पागलपन ने इन्हें साउथ का भगवान बना दिया। दोस्तों, मैं आपको मोटिवेट कर सकता हूं पर डिसीजन आपको खुद लेना है। अपने काम के लिए आपको पागल बनना है या फिर नॉर्मल रह के नॉर्मल ही मरना है।